हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम चैनल आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था लास्ट वैकेंसीज जो आई थी तो उनका जो लास्ट एग्जाम लिया गया था वो 2019 में 21 जून को या 12 जून को हुआ था मतलब कि जून दो में लास्ट एनवीएस पीजेटी केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं आपका उनका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे ये हमारा पार्ट नंबर वन रहेगा जिसमें हम पहले ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर वन रहेगा जिसमें हम पहले ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो मैंने लिया है कहीं से नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये था आपका तो ये 12 जून 2019 को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था एंड सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पी केमिस्ट्री लिखा हुआ है एन की वैकेंसीज ऑलरेडी आई हुई हैं आप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म को फिल कर दिया होगा जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो कर दीजिएगा एंड जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं पी केमिस्ट्री की चाहे वो फिर आपका डी ट्री प्लस बी के लिए हो आर पी एस सी के लिए हो एच टेट हो के वी एस की वैकेंसीज आने वाली बहुत जल्दी एन वी एस हो या फिर एच एस एस सी का स्क्रीनिंग एग्जाम हो तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है भाई आपका जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं जिसमें इलेवेंथ से लेके एम एस सी लेवल तक के टॉपिक कवर्ड है है ना एंड आपको गाइड भी किया जाता है कि एन वी एस के लिए इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए के वी एस के लिए इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए छः सौ प्लस वीडियोज अवेलेबल है जो कि सात सौ घंटे की हैं साथ में आपको पी वाई क्यू का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है एंड एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है दो वैलिडिटी है आपका आप सिक्स मंथ की वैलिडिटी भी ले सकते हैं एंड वन ईयर की वैलिडिटी भी ले सकते हैं ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो, हो रहे हैं किसी को भी कोई भी इश्यू है तो इन दो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एंड इलेवन ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि क्योंकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है तो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर शो कर रहा है है ना आप सब सब देख पा रहे हैं तो अब यहाँ पे आपका जो है बीबीटी से आप इसको निकालिए निकल प्लस टू है ये है ना निकल प्लस टू की अगर आप कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी यहाँ पे आर्गन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका थ्री हो जाएगा अब जब आप यहां पे देखेंगे तो डी के पांच और बाइटल रहे होंगे आपके पास इस तरीके से तो ये आपका थ्री हो गया यहाँ पे आपका फोर एस हो गया एंड यहाँ पे आपका फोर पी हो गया तो आठ इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं यहाँ पे तो एक उसके बाद दो उसके बाद तीन चार पांच छ सात आठ तो ये आठ इलेक्ट्रॉन हो गए अब यहां पे देखिए लीगेंड कैसा है तो क्लोरीन इज योर वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं तो क्लोरीन क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरड नहीं होंगे तो ये एक एस और ये तीन पी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड यहां पे आपको चार एस पी थ्री हाइब्रिडाइज और बाइटल मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे हो जाएगी दैट दैट इज इज तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई जी sp3 पी सेप का जो नाम हो जाएगा इसका दैट इज टेट्राहेड्रल क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर आपको बात करें तो आपको यहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे इसलिए यह सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर का है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं तो वो होती है एन इंटू एन प्लस टू ठीक है उस तरीके से अगर आप निकालेंगे रूट एट इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी तो स्टूडेंट देखिए ये जो निकल के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना निकल प्लस टू के तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है अगर लिगेंड चेंज कर दें अगर यहीं पे क्लोरीन की जगह सी एन होता अगर क्लोरीन की जगह सी एन होता तो वो फिर स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड हो जाता है एंड वहां पे पेयरिंग हो जाती और पेयरिंग होने के बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ये भी क्योंकि काफी बार ऑलरेडी पूछी जाती हैं ये चीजें तो यहाँ पे अगर आपका एन आई सी एन फोर एन टू नेगेटिव होता तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती दैट इज डी एस पी टू अगर हाइब्रिडाइजेशन डी एस पी टू है तो ये जो शेप होती दैट इज स्केयर प्लेनर स्केयर प्लेनर सेप बन जाती एंड साथ के साथ ही ये आपका डाया मैग्नेटिक नेचर का हो जाता क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है जो यहाँ पे टिक भी किया हुआ है दैट इज एस पी थ्री ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही है आई यू पी एस सी नोम क्लेचर का क्वेश्चन है देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि सबसे पहले हम जो है कटायन का नाम लिखते हैं जैसे देखिए एन ए सी एल में जो नाम होता है सोडियम क्लोराइड आप बोलोगे लेड सल्फेट तो हमेशा कटायन का नाम पहले लिखा जाता है तो यहां पे के इज योर फॉर कटाइन कटायन है ये एंड ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स देख पा हैं ये अनाइनिक फॉर्म में तो पहले आप हेक्सा लिखेंगे पहले आप अनायन का नाम लिखेंगे या कटायन का सिर्फ कटायन का नाम लिखेंगे अगर आपको इतनी बात का भी पता था तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया फर्स्ट आंसर आ जाएगा अब बात आती जी ठीक है तो पोटेशियम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आयन होता है उसके नंबर नहीं लिखते इसलिए ओनली पोटासियम लिखा और थोड़ा सा गैप देना होता है क्योंकि कटायन और अनायन के बीच में हम गैप देते हैं उसके बाद लिखा जाता है नंबर ऑफ लिगेंड तो यहाँ पे छह है इसलिए हमने यूज किया हैगजो है है सी एन है इसलिए यूज किया साइनो एंड कोर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो देखिए यहां पे अगर चार पॉजिटिव है तो यहां पे चार नेगेटिव भी तो रहा होगा अगर कोर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे हम मेटल का लैटिन नेम लिखते हैं प्लस में एट लगा के तो जैसे आयरन का जो लैटिन नेम होता है दैट इज फेरम तो उसी से हमने ये बना दिया फेरेट एंड यहां पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो टू है इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आपका फर्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट देखिए भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है है प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता ऑफ द आर मेटल इनमें से कौन सी कोइनेज मेटल है कोईनेज मेटल बोले तो जिनसे सिक्के बनते हैं किससे सिक्के बनते हैं तो ये जो आपका ग्रुप नंबर ग्यारह होता है हमारी प्रियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर ग्यारह कौन आगे आया कौन आगे आया यानी कि कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इन्हीं को हम कोइनेज मेटल भी बोलते हैं कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड को हम कोइनेज मेटल बोलते हैं सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा ये भी काफी इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन अभी तक जो दिख रहे हैं वो सारे इलेवन ट्वेल्थ लेवल के हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल कभी भी अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो तरीका है सबसे पहले आप चेक करें हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे कभी भी अगर बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो फिर आपको चेक करने हैं नंबर ऑफ लोन पेयर क्या चेक करने हैं नंबर ऑफ लोन पेयर एंड ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड एंगल होता है

तो मीथेन के हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता होगी कि एंड थ्री हाइब्रेडाइजेशन होती है तो इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास होता है अमोनिया की भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होती है बट इसकी पिरामिडल होती है इसके पास तो जीरो लोन पेयर होता है मीथेन के पास तो बट अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है एंड तो इसका बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री हो जाता है तो यहां से भी ये बात वेरीफाई हो रही है कि अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन एस पी है एस पी दोनों की इसके पास लोन पेयर नहीं था इसके पास एक लोन पेयर आ गया तो बोन्ड एंगल डिक्रीज कर गया एंड वाटर की भी हाइब्रिडाइजेशन एस पी होती है बट यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा कम हो जाता है 104 डिग्री के आसपास हो जाता है सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल का जो करेक्ट ऑर्डर है वो बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा आपका फोर्थ ऑप्शन तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट थी तो ये किसको बताता है जो वेव फंक्शन साई होता है ये बेसिकली आपका हाइट ऑफ कर्व है ना जो कर्व की हाइट होती है उसको एक्सप्लेन करता है तो ये इंटेंसिटी फंक्शन नहीं होता है ना ही ये वेलोसिटी फंक्शन होता है ना ही ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ये आपका एम्प्लीट्यूड फंक्शन होता है भाई ये आपका एम्प्लीट्यूड फंक्शन होता है जो भी आपका वेव होती है उसकी हाइट को ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है रिप्रेजेंट करता है सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट ये भी बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको डाई डाइब्रोमो वन थ्री ब्रोमो प्रोपेन नजर आ रहा है रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करवाई गई है तो देखते हैं कि क्या यहां से पॉसिबिलिटीज बनती है तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं भाई देखिए से निकला होगा होगा के ऊपर नेगेटिव तो यहां पे आ गया पॉजिटिव इसी प्रकार यहां से भी यह बी आर निकल गया होगा नेगेटिव और यहां पे भी आ गया पॉजिटिव अब जिंक क्या करेगा जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन को यहां से डोनेट कर देगा जिंक खुद जेड एंड टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो एक उस उसने इसको दिया तो ये बन गया रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये भी बन गया रेडिकल तो ये दोनों रेडिकल ने क्या किया आपस में क्या कर लिया बॉन्ड बना लिया और यहां पे फॉर्मेशन हो गई किसकी यहां पे फॉर्मेशन हो गई किसकी साइक्लोप्रोपेन की किसकी फॉर्मेशन हो गई जी साइक्लोप्रोपेन एंड साथ में एज बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल गया जेड एंड बी आर टू जेड एंड बी आर टू सो so, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नेक्स्ट है ये आपका द गुई बैलेंस हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ तो देखिए भाई ये जो मेथड है ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक अस्केप्टेबिलिटी को तो मैग्नेटिक सस्कैप्टिबिलिटी को फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंटल वे होता है ये वाला मेथड तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा सा हटके है अलग सा पूछा गया है और देखिए सारे क्वेश्चन अगर इजी दे देंगे तो फिर उनको स्टूडेंट सिलेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ज़रूर डाले जाते हैं जो थोड़ा सा सिलेबस से हटके होते हैं जो कंसेप्ट से हटके होते हैं ठीक है हालांकि ये भी आ, आपको कहीं ना कहीं जरूर पड़ा होगा बी में तो जरूर आपको एम में जरूर पड़ा होगा नेक्स्ट इज रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेप अगर यहाँ पे ना तो हीट का कोई लेन देन हो रहा है ना तो हीट एंटर हो रही है और ना ही हीट जा रही है तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है तो देखिए भाई अगर हीट आपने फिक्स कर दी है कॉन्स्टेंट कर दी है तो ऐसे प्रोसेस को प्रोसेस बोला जाता है ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं आइसोथर्मल का मतलब होता है जब आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया हो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया हो तो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है एंड आइसो बारिक में आप प्रेशर को फिक्स कर देते हैं ठीक है सो इस क्वेश्चन का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको निकालना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मैथड ऑप्शन एलिमिनेशन मैथड से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी देखिए यहाँ पे ये बेसिकली कैल्सिय कैल्सियम हो गया एंड यहां पे आपका ये स्टोनसियम हो गया ठीक है ना एस और आर तो ये बात तो पक्का ही हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज करता है तो यहां से ये बात बिल्कुल वेरीफाई हो गई है एस आर टू पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा सी ए टू पॉजिटिव से एस आर टू पॉजिटिव का साइन बड़ा होगा एज कंपेयर टू सी ए टू पॉजिटिव से है ना बिल्कुल सही बात है ये तो अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आप देखिए यहां पे ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम का साइज बड़ा होता है एस आर टू पॉजिटिव से ये बिल्कुल गलत है यहां पे ये बात ठीक लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे फिर से ये बात गलत लिखी हुई है तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर टू बच गया एंड ऑप्शन नंबर फोर बच गया अब इनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए भाई ये आपका बेसिकली कैल्शियम हो गया तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे भाई आपका ऊपर रहा होगा कार्बन उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम एंड उसके बाद यहाँ पे टिन रहा होगा टिन ठीक है इसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ पे इससे पहले आ जाएगा भाई ये आपका ये गैलियम एंड यह आपका इंडियम आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से तो अब हमें यह बात पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है क्या करता है साइज डिक्रीज करता है तो यहां पे देखिए अगर देखा जाए तो स्ट्रोनियम एस आर टू पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा होगा और ये इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन अब कैल्शियम का बड़ा कैसे होगा हालांकि कैल्शियम से तो नीचे आ रहे हैं पीरियड में तो इनके लिए भाई एक कंसेप्ट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट शो करते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन या फिर आप इसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसकी वजह से इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है और दूसरा बड़ा रीजन है यहाँ पे कटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ना अगर कटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज और कम हो जाएगा तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल सेट ऑप्शन बैठता है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट है वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो भाई ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और आप अगर और थोड़े से इन्होंने ऑप्शन को इस तरीके से डिजाइन किया होता तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ सकती थी हाँ ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि यहाँ पे जैसे आपको अगर याद हो तो गैलियम का साइज छोटा होता है एल्युमिनियम से गैलियम का साइज छोटा होता है एलुमिनियम से उसके पीछे रीजन बताया जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का ठीक है ना तो होप की समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है भाई आप इसे थर्मोडानेमिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम से जिससे भी रिलेट करना चाहे कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है ना एक इक्वेशन होती है थर्मोडाइनिक्स में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एंड यहाँ पे होता आर टी एंड आपका लॉग क्यू क्या वो बोले तो रिएक्शन क्वेश्चन ये हमारे पास इक्वेशन होती है अब ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है एट इक्विलिब्रियम जो ये डेल्टा जी है ना ये आपका जीरो के इक्वल हो जाता है ये वाली टर्म आपका के इक्वल हो जाती है एट इक्विलिब्रियम एंड दूसरा जो चेंज होता है जो रिएक्शन क्वेश्चन होता है वही आपका इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के वही आपका इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा डेल्टा जी माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी एंड यहाँ पे हो जाएगा लोग के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा लोग के इक्विलिब्रियम तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे सेट बैठेगी तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन पहले वाले ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पे ये यह लिखा हुआ है एंड ये दोनों चीजें नहीं आएगी या तो आप ये हटा दो यहाँ से तो ये ठीक है या फिर आप इसकी जगह लोग लिख दीजिए तो ठीक है तो ये रहा उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन भी नहीं इसलिए गलत हो गया यहाँ पे नेगेटिव साइन इन्होंने भले ही लगा दिया बट ये दोनों टर्म साथ में रख दी तो ये गलत हो गया इसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ये माइनस साइन भी है यहां पे ये टर्म है तो इसके साथ यहां पे लॉग यूज किया गया है तो इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड बिल्कुल सही आंसर है थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखिए भाई अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है जैसे मैंने ये ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग बनाई है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या है कि आप सभी को इस तरीके से पता होगा कि इनके बीच का जो ये गैप है इसे हम डेल्टा ओ बोलते हैं डेल्टा ओ एंड यहाँ पे अब देखिए मान लीजिए अपने पास D4 हो जाता है तो एक दो तीन अब फोर्थ अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ही तो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ना तो ये ऊपर जाता कब है ये ऊपर जब जाता देखो ये वाला डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है ना ये अगर ये गैप कम हो तो तो ये ऊपर चला जाएगा अगर ये गैप बहुत बड़ा हो तो ये ऊपर नहीं जाएगा आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसलिए भाई पेयरिंग एनर्जी अगर आपका ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेल्टा ओ डेल्टा ओ जरूरी नहीं है डेल्टा टी भी हो सकता है यहां पे डेल्टा एस के भी हो सकता एस पी भी हो सकता है स्केर प्लेनर के लिए भी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए खास बात ये देखने को मिलती है कि इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है पेयरिंग एनर्जी से तभी जाके यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन पाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी आपका फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइयर के लिए हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन इसे हम बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए दो आपको यहाँ पे एक सी एच थ्री आई नजर आ रहा है प्लस में यहाँ पे एक दो एन ए यूज हो रहे हैं एंड एक यहाँ पे आई एंड सी एच थ्री नजर आ रहा है जब आप यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी सी एच थ्री एंड सी एच थ्री बोले तो इथेन की एंड साथ में बाहर निकल जाएगा टू एन ए आई तो ये आपका यहाँ पे इथेन बनेगा इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन ठीक है तो इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट इजी इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई तो एन के लिए अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि आपको इलेवन ट्वेल्थ लेवल के टॉपिक अच्छे से कवर होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप बी एस का एम का हायर लेवल के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो यूजफुल नहीं होंगे तो ये देखिए भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है सभी को पता होता है कि ब्रैक्स ला का फार्मूला होता है एन एन लैमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा अब ये बात बोल कि फर्स्ट ऑर्डर है अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू हो जाएगी वन तो लैमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा तो लैमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी सो तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा ठीक है जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो देखिए भाई मैं तो इसको ऐसे याद करके रखता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एक्जो का मतलब एग्जिट एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना अगर आपका यहाँ पे हीट रिएक्शन के दौरान इवोल्व होती है बाहर निकलती है तो वो रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है और जब भी हीट बाहर निकलती है रिलीज होती है तो उसे हम एंथेल्पी को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव दिखाया गया है बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है इलेवेंथ क्लास का बच्चा भी इसको बता देगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्योंकि इन सभी की स्ट्रक्चर का आइडिया होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा है सबसे पहला कंपाउंड है कैचकोल तो इसकी अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती है कैचकोल की ठीक है ना कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती है कैचकोल की यहाँ पे भी ओ OH एच होता है एंड यहाँ पे भी ओ OH एच होता है तो ये आपका कौन हो गया जी कैचकोल अगर आपको सेकंड वाली स्ट्रक्चर लगानी है तो ओ OH एच के रिस्पेक्ट में यानी जो फिनोल है बेसिकली उसके मेटा पोजिशन पे एक और ओ OH एच लगा दीजिए तो ये वाली बन जाएगी ये ना क्विन की स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी है तो कुछ इस टाइप से क्विनोन की स्ट्रक्चर आपका रहती है ये स्ट्रक्चर आपका क्विनोन की आ गई उसके बाद अगर आपको हाइड्रोक्विनोन की स्ट्रक्चर बनानी है तो वो आपका बनेगी कुछ इस टाइप से वो आपका बनेगी कुछ इस टाइप से तो अब आपसे पूछा कि हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसके होंगे तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए अब हमें यह बात पता है यहां पे कि जो कैचे कोल है इसके अंदर परोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसी का मान लो एक मोलिक्यूल ये है और इसी का दूसरा मोलिक्यूल और होता हमारे पास तो इस इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती क्यों नहीं हो पाती क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इन दोनों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है तो यहां पे जो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके दूसरे मोलिक्यूल के साथ वो इतनी बेहतरीन होने वाली नहीं है इसके अंदर भी आप बोल सकते हैं कुछ हद तक थोड़ा बहुत इंट्रामोलिकुलर का लिंक है इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बट हाइड्रोक्विनोन को अगर आप दूसरा मोलिकूल यहां पे कुछ इस तरीके से लेंगे तो यहां पे जो जबरदस्त वाली आपको क्या देखने को मिलेगी जबरदस्त वाली आपको यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी इंटर वाली तो यहां पे जो ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव यहां पे आपका जो डेल नेगेटिव ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से हाइड्रोक्विनोन के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो इन चारों मोलिकूल में सबसे ज़्यादा होते हैं तो यहां पे इस तरीके से इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है इन दोनों मोलिकूल के लिए और इस तरीके वाली नहीं है तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी हाइड्रोक्विनोन के अंदर इसीलिए इसके हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाएंगे इसीलिए इसके हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाएंगे सो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोक्विनोन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई तो ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है भाई जिसका नाम होता है ओजोनोलिसिस तो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं यहाँ से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं सी एच थ्री एंड यहाँ पे लगाते हैं डबल बॉन्ड ओ यानी कि यहाँ पे आपको दो मोल मिलेंगे एसी के बट अब आपसे ये प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि इसके दौरान इंटरमीडिएट कौन सा बनता है तो इसके दौरान भाई एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम छतरी जैसे झोपड़ी टाइप का एक इंटरमीडिएट बनता है इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ से यहाँ पे भी ओ आ जाएगा यहाँ पे भी ओ आ जाएगा और ये रहा कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है और इसी इंटरमीडिएट को बोला जाता ओजोनाइड है ना इसी इंटरमीडिएट का क्या नाम होता है ओजोनाइड जो यह आपका एक झोपड़ी सी बना के दिखाई है मैंने यह इंटरमीडिएट बनता है इसी इंटरमीडिएट का नाम होता है ओजोनाइड यहाँ पे ना तो कोई फ्री रेडिकल बनता ना ही ओजोनोन बनता एंड ओजोन बनता है यहां पर जो बनता है फ्री रेडिकल सॉरी इंटरमीडिएट वो आपका ओजोनाइड होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई आपसे यहां पे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर वेट पे सबसे पहली चीज तो क्या है क्योंकि जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होता है उतने ज्यादा वाल फोर्स ऑफ्ट्रेक्शन होती है अगर मोलिकुलर वेट सेम हो जाए तो क्या करेंगे अगर आपका मोलिकुलर वेट सेम हो जाता है तो यह देखा जाता है

दूसरे वाले को आइसोपेंटेन बोलते हैं और तीसरे वाले को एन पेंटेन बोलते हैं सॉरी <coughs> तो इसमें देखिए मोलिकुलर वेट तीनों का सेम है सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है नियो पेंटेन के अंदर इसलिए इसके मोलिकुलर वेट सबसे कम होंगे तो यहां पे जो करेक्ट आंसर दिया हुआ दैट इज पेंटेन आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन जो कि बिल्कुल करेक्ट है यही आपका करेक्ट ऑर्डर होगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट देखिए भाई विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज इन द मिल्क सुगर मिल्क सुगर के अंदर कौन सी सुगर या कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो आपने ये बात देखी भी होगी कि जो मिल्क है वो टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है और उसका रीजन होता है उसके अंदर लैक्टोज पाई जाती है लैक्टोज एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक सुगर ही होती है तो ये आपका लैक्टोज की वजह से ही जो है सुगर जो आ, आपका मिल्क होता है वो थोड़ा सा आपका मीठा टेस्ट शो करता है तो भाई इसके अंदर जो है आपका लैक्टोज पाई जाती है मिल्क के अंदर ठीक है अकॉर्डिंग टू देखिए भाई लेविस ने भी अपनी थ्योरी दी थी ब्रॉन्सटैंड ने, ने भी तो ब्रॉन्सटैंड एंड लोरी का मेन कंसेप्ट यही था कि भाई जो प्रोटोन को डोनेट करे वो एसिड होता है एंड जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे वो बेस होता है ना? जो प्रोटोन को असेप्ट करे वो बेस होता है विच हैज टेंडेंसी टू अक्प्टो प्रोटोन उसी को हम आपका बेस बोलते हैं उसी को हम आपका बेस बोलते हैं so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकेंड ओके okay? uh, अब हम बात करते हैं भाई इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ठीक है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये विच इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन फोर्थ पीरियड तो फोर्थ पीरियड की अगर आप बात करेंगे ये ओ एस तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता ही नहीं है इसलिए इसको हटा दीजिए एक हो गया क्रोमियम एक हो गया आपका मैगनीज एंड एक हो गया आपका आयरन तो क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी वो आपका प्लस सिक्स होती है जैसे एक कंपाउंड में अगर आपको बताऊँ सी आर ओ फाइव देखने से आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टेन है लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होती है तो क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स ही शो कर सकता है एम जो होता है वो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेवन शो करता है एक बहुत ही वेल नोन कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं एम एन ओ फोर नेगेटिव पर मैग्नेट आयन तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस सेवन होती है आयरन प्लस वन सॉरी प्लस टू प्लस थ्री ज़्यादा शो करता है तो इस पूरे पीरियड में हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपका एम की होगी तो भाई ये देखो पहले पार्ट से देखने से ये पता लग रहा है कि क्वेश्चन कोई ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जा रहे हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और देखिए भाई इसमें क्या है ना अभी इस बार थोड़ा सा पैटर्न का चेंज भी किया है एन में लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अलग अलग तो ये कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बहुत जल्दी आपको मिलेगा पार्ट नंबर टू थैंक यू